क्लास 11th एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 16.1 में हम लोग यहाँ पे 14th प्रॉब्लम देखेंगे। 14th प्रॉब्लम देखिए क्या है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग ए डाई। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक डाई को रोल किया गया है। रोल करने में देखिए आउटकम क्या क्या होंगे, आउटकम में क्या आएगा, आउटकम में आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 और 6। डाई को रोल करने में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर्स आएंगे। अब आगे देखते हैं, एंड देन टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस किया गया है। वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन, अगर इवन नंबर है मींस 2 है, 4 है या 6 है, तो एक कॉइन को टॉस किया जाता है एक बार। अगर इसको टॉस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। इस केस में भी हेड आएगा या टेल आएगा। 6 के केस में भी जब 6 आता है जो कि इवन नंबर है, हेड आएगा या टेल आएगा। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड, ऑड नंबर क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। इस केस में क्या होगा, इस केस में कॉइन को दो बार टॉस किया जाता है। राइट द सैम्पल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, इसका हमको सैम्पल स्पेस लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, 1 आया तो एक बार कॉइन को टॉस करने पे क्या होगा, हम जानते हैं हेड आएगा या टेल आएगा। फिर से टॉस करेंगे तो क्या होगा, हेड आएगा या टेल आएगा, टेल के बाद हेड आएगा या टेल आएगा। इसी तरीके से 3 के बाद क्या होगा, हेड टेल, फिर से टॉस करेंगे हेड टेल और हेड एंड टेल। 5 के केस में भी दो बार टॉस किया जाएगा, क्या क्या आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा एक बार टॉस करने पे, फिर से टॉस करने में यहाँ पे हेड टेल और हेड एंड टेल। तो इसका हमको यहाँ पे सैम्पल स्पेस लिखना है। सैम्पल स्पेस हम लिख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, एक एक करके लिखते जाएं। यहाँ पे देखिए 1 हेड एंड हेड, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 हेड हेड, नेक्स्ट हो जाएगा 1 हेड एंड टेल, 1 हेड टेल, 1 टेल हेड, 1 टी एच, 1 टेल टेल, 1 टी टी, नेक्स्ट क्या हो गया, ये हो गया 2 हेड, 2 टेल, 2 टी। यहाँ पे देखिए फिर 3 एच एच, 3 एच एच, इसी तरीके से लिख सकते हैं 3 हेड टेल, 3 टेल हेड, यहाँ पे यहाँ से देख के लिख सकते हैं और ऐसे ही आ जाएगा 3 टेल टेल। फिर देखिए ये फोर्थ वाला होगा 4 हेड, 4 एच, 4 टेल, फिर 5 हेड हेड, हेड हेड, 5 हेड टेल, 5 एच टी, 5 टेल हेड एंड 5 टेल टेल। फिर 6 के साथ आ जाएगा 6 हेड ये वाला और 6 टेल, 6 टेल। तो ये इसका सैम्पल स्पेस हो जाएगा क्वेश्चन का। अब देखिए 15 प्रॉब्लम भी इसी तरीके से है, सरल है ये। अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया गया है, हेड आएगा या टेल आएगा। इफ इट शोज अ टेल, वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम ए बॉक्स, एक बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें बॉल्स हैं। विच कंटेन 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स, 2 रेड हम मान लेते हैं R1, R2 और 3 ब्लैक बॉल्स B1, B2, B3। तो यहाँ पे टेल आने पे क्या करते हैं, इस बॉक्स में से एक बॉल को ड्रॉ करते हैं। तो बॉल्स क्या क्या हो सकती हैं, R1 हो सकती है, R2 हो सकती है, B1, B2 हो सकती है, B3 हो सकती है। इफ़ इट शोज हेड, वी थ्रो ए डाई, हेड आने पे क्या करते हैं, एक डाई थ्रो करते हैं। तो नंबर्स आएंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, 6 नंबर्स आएंगे। फाइंड द सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हेड के बाद 1 आया, H1 हमने लिख दिया यहाँ पे, H2,
H3, H4, H5 and H6, ये सारी इवेंट्स हो गए, ये सारे आउटकम्स हो गए। फिर ये आउटकम्स लिख सकते हैं टेल आर वन, टेल आर टू, टेल बी वन, ब्लैक बॉल्स, टेल बी टू, टेल बी थ्री। तो ये इसका सैम्पल स्पेस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 16 प्रॉब्लम करते हैं, बहुत ही आसान है ये। अ डाई थ्रोन रिपीटेडली अंटिल अ सिक्स कम्स अप। एक डाई को थ्रो किया जाता है जब तक कि सिक्स नहीं आता। तो पहले केस में देखें हम, पहले केस में क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, टू आएगा, या थ्री आएगा, या फोर आएगा, या फाइव आएगा, या सिक्स आएगा। अब सिक्स आ जाता है तो प्रोसेस यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा सिक्स आने के बाद, क्योंकि जब तक सिक्स नहीं आता तब तक हम थ्रो करते रहते हैं। अगर वन टू थ्री फोर फाइव आता है तो फिर से हम इसको थ्रो करते हैं। सपोज़ वन आता है, उसके बाद क्या ऑप्शंस होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, सिक्स आ गया, यहाँ पे फिर प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा और यहाँ पे फिर होने लगेगा, यहाँ पे फिर से डाई को थ्रो किया जाएगा। इस तरीके से करते रहेंगे इसको। टू के केस में भी, टू के केस में वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स आएगा, प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरीके से थ्री में, फोर में और फाइव में होगा। तो इसके सैम्पल स्पेस में इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, हम एक एक करके लिख सकते हैं इसको। पहला एलिमेंट क्या होगा, पहली बार में ही सिक्स आया तो ये आउटकम हो गया इसका, सिक्स हो गया। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, वन सिक्स लिख सकते हैं, वन कॉमा सिक्स ऐसे लिख लिया। तीसरा क्या लिख सकते हैं, टू कॉमा सिक्स, टू कॉमा सिक्स, थ्री के बाद सिक्स आया, फोर के बाद सिक्स, फाइव के बाद सिक्स। और आउटकम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए जब सिक्स आएगा यहाँ पे तो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वन वन सिक्स, वन वन सिक्स। इसी तरीके से वन टू सिक्स, वन टू सिक्स, वन थ्री सिक्स, ये इसके आउटकम्स हो जाएंगे एंड सो ऑन। इसी तरीके से टू, ये वाला आउटकम वन, उसके बाद जब सिक्स आएगा तो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, टू वन सिक्स, टू टू सिक्स। इस तरीके से यहाँ पे हम इसके एलिमेंट्स लिख सकते हैं। तो ये इसका सैम्पल स्पेस हो जाएगा।